लेट्स सी, पर मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिलेशन जो हमें आगे बहुत सारी जगह पे काम आएगा, दैट इज रिलेशन बिटवीन द कोफिशियंट्स एंड स्लोप ऑफ लाइंस. फॉर दैट कंसीडर पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस इन जनरल इक्वेशन फॉर्म. इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ लाइंस पैरेलल टू दिस पासिंग थ्रू ओरिजिन, हमने भी थोड़ी देर पहले कॉन्सेप्ट किया था, क्या होगा उसका इक्वेशन, ए एक्स स्क्वायर प्लस टू एच एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर. दिस पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन एंड दिस पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन्स क्या कॉमन है, ये दोनों लाइन्स जो है वो पैरेलल होंगे. दिस इज पासिंग थ्रू ओरिजिन एंड दिस इज पासिंग थ्रू सम पॉइंट अदर देन ओरिजिन. अब सपोज ये जो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन्स है उसके कंपोनेंट लाइन्स हैं वाई माइनस एम वन एक्स इज इक्वल टू जीरो एंड वाई माइनस एम टू एक्स इज इक्वल टू जीरो. लाइन्स के जो स्लोप्स हैं वो है एम वन एंड एम टू. नाउ दिस इक्वेशन विल बी इक्विवेलेंट टू वाई माइनस एम वन एक्स इंटू वाई माइनस एम टू एक्स इंटू बी. हियर वी आर मेकिंग वाई स्क्वायर कोफिशियंट बी बिकॉज इट इज बी हियर. दिस टू इक्वेशंस आर आइडेंटिकल. वी कैन कंपेयर कोफिशियंट्स ऑफ डिफरेंट टर्म्स से एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड एक्स वाई. वाई स्क्वायर का कोफिशियंट तो ऑलरेडी सेम है बी. ओके, फिर बाय कंपेयरिंग कोफिशियंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर एंड एक्स वाई. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स कंपेयर कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर. इट इज ए फ्रॉम हियर एंड एम वन एम टू टाइम्स बी फ्रॉम हियर. देन कंपेयर कोफिशियंट ऑफ एक्स वाई, दैट इज टू एच इज इक्वल टू माइनस बी ब्रैकेट एम वन प्लस एम टू. फ्रॉम दिस वी गेट प्रोडक्ट ऑफ एम वन एम टू एंड सम ऑफ एम वन एम टू. ये तो दो वैल्यूज हैं, टू वैल्यूज आर वेरी इंपॉर्टेंट. ये बहुत काम आएंगी कैलकुलेशंस में व्हेन वी हैव टू फाइंड एंगल बिटवीन पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस और वी हैव टू फाइंड एंगल बाइसेक्टर ऑफ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस. देखते हैं आगे किस तरह से ये काम आता है हमें. ओके, सो लाओ लेट्स फाइंड एंगल बिटवीन स्ट्रेट लाइंस. फॉर दैट अगेन कंसीडर जनरल इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस एंड कंसीडर pair of straight lines which are parallel to this lines. Joint equation is given by ax square plus 2hxy plus by square. Line is this pair of straight lines are parallel to this pair of straight lines and passing through origin. That component lines are y minus m1x is equal to 0 and y minus m2x is equal to 0. Okay, so we have already seen that m1 m2 is equal to a upon b and m1 plus m2 is minus 2h upon b. Now lines having slopes m1 and m2, so lines ke bich ka angle ka formula aapko yaad hai na, kya hota hai, tan theta is equal to modulus of m1 minus m2 upon 1 plus m1 m2. Now tell me how we can use this values m1 m2 and m1 plus m2. हियर वी हैव एम वन माइनस एम टू. तो इन दोनों वैल्यूज को हम यहाँ पे कैसे यूज करेंगे, तो हम करते थे क्वाड्रेटिक में जहाँ पे हम सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स को देखते थे. हाउ यू राइट एम वन माइनस एम टू, एम वन माइनस एम टू विल बी स्क्वायर रूट ऑफ एम वन प्लस एम टू स्क्वायर माइनस फोर एम वन एम. दिस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ m1 plus m2 square minus 4m1 m2 divided by 1 plus m1 m2. Now here we can put the values of m1 plus m2 and m1 m2. Okay, so after putting these values, we will get tan theta is equal to square root of 4h square minus b square minus 4 times a upon b upon 1 प्लस ए अपॉन बी. सिंप्लीफाई करेंगे, एलसीएम लेंगे, ऊपर नीचे बी, बी कैंसिल हो जाएगा. वी विल हैव दिस गेटिंग 2 आउटसाइड. वी विल गेट 2 इनटू स्क्वायर रूट ऑफ एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन मॉड ए प्लस बी. दिस इज इक्वल टू टेन थीटा, वेयर थीटा इज एंगल बिटवीन पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस. तो पैरो स्ट्रेट लाइंस के बीच का अगर हमें एंगल निकालना है तो हमें सिर्फ तीन टर्म्स के कोफिशियंट्स काम आएंगे, एक्स स्क्वायर एक्स वाई एंड वाई स्क्वायर. दिस टर्म्स आर सेकेंड डिग्री टर्म्स. यहां से हमें
कुछ कंडीशंस मिल सकती हैं फॉर स्पेसिफिक पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस. इफ स्ट्रेट लाइंस आर परपेंडिकुलर, द लाइंस परपेंडिकुलर है तो थीटा 90 डिग्री होगा, 10 90 अप्रोचेस टू इन्फिनिटी. इन दिस रेशियो वॉट इज जीरो? ए प्लस बी इज जीरो. दैट मीन्स वेन लाइन्स आर परपेंडिकुलर, कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड कोफिशियंट ऑफ वाई स्क्वायर, उसका सम क्या हो जाएगा? जीरो. दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशंस. बहुत सारे क्वेश्चंस में ये यूज होता है. सपोज लाइन्स आर पैरेलल, लाइन्स पैरेलल होंगे तो एंगल थीटा जीरो हो जाएगा. 10 0 0, तो यहाँ से क्या जीरो हो जाएगा? न्यूमेरेटर. बाय मेकिंग न्यूमेरेटर जीरो वी विल गेट एच स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी. दिस इज कंडीशन फॉर टू लाइन्स पैरेलल और को इंसिडेंट. अगर लाइन्स को इंसिडेंट है तब भी एच स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी हो जाएगा, दोनों का स्लोप जो है वो सेम हो जाएगा.